सॉन्ग की लॉन्चिंग कर दी तेरे प्यार नु सलाम मैडम सामने थोड़ा सा देखिएगा मैडम साहब मैडम साहब मुझे डांस जो है वो इतना नहीं आता था लेकिन इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताई ये बातें होती हैं कि कराची और लाहौर ये बातें ना हो ये फिल्में बने 20 फिल्में बनाए और ये इस इंडस्ट्री को फिल्में बनाने हदायतकार अल्ताफ हुसैन ने काफी अरसे बाद फिल्म तेरे प्यार नु सलाम से आगाज किया हदायतकार अल्ताफ हुसैन की फिल्म तेरे प्यार नु सलाम का इफ्तिताह भट्टी स्टूडियो इकबाल टाउन में किया। इफ्तिताह के मौका पर जुल्फकार अली माना हदायतकार शहजाद रफीक मासूद भट्ट मौसीकार जुल्फकार अली अत्रे जिले शाह ऑन अली सिंगर और दीगर ने शिरकत की। बाबरा शरीफ के पैगाम दिए। बाबरा शरीफ का कहना था कि हमें फ़िल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए काम करना है। लाहौर कराची से बाहर निकलकर फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोचना होगा। कभी भी फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर नहीं हुई और ना ही कभी मैं हूँगी फिल्म इंडस्ट्री के इफ्तिताह के बाद सायरा नसीम की आवाज़ में फ़िल्म के गाने रिकॉर्ड किए गए। आखिर में हदायतकार अल्ताफ हुसैन ने इफ्तिताह के मौके पर आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और फिल्म की कास्ट के बारे में बात की। मुझे डांस जो है वो इतना नहीं आता था लेकिन इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताई और ये हुक्म करें और हम ना आए और मैं कहती हूँ कि ये रिवाइवल नहीं है ये कोशिशें हैं। ये अल्ताफ साहब जो इन्होंने ये फिल्म शुरू की है मुझे लगता है कि ये बहुत ही कोई खुशाइन बात होगी। देखिए ये कोशिशों में से कोशिश है। अब वो तो नहीं हो सकता ना कि एक साल में 3-4 फिल्में आएँ और हम कहें कि इंडस्ट्री रिवाइव हो गई। कैसे रिवाइव होगी? ये सारे हमारे जितने यहाँ पे लोग हैं इंशाल्लाह रिवाइव होगी। उनसे भी होगी इनसे भी होगी। हमने कभी कराची लाहौर और पेशावर और किसी की बात नहीं की पहले उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। आज ये बातें होती हैं कि कराची और लाहौर ये बातें ना हो ये फिल्में बने 20 फिल्में बनाए और ये इस इंडस्ट्री को फिल्में बनाने की ज़रूरत है और अच्छी फिल्में इसकी खास जो है तकरीबन नहीं है सर इसको मेरे खाने आपके सामने एक तो ये होता है कि मूवीज की प्रॉपर पब्लिसिटी नहीं होती है एक तो इसको ठीक करना चाहिए और फिल्म में फिल्म का फ्लेवर नजर आ रहा है नजर नहीं आ रही लोग लेकिन बड़ा मौका लगता है ये चीज़ है बाकी जो लोगों को पसंद आती है वो चलती गई बहुत शुक्रिया।
ہمارے ساتھ پاکستان کے سپر اسٹار غلام محی الدین صاحب موجود کے ساتھ اور غلام صاحب کی جو فلم آ رہی ہے تیرے پیار نو سلام ان میں یہ بھی ہے اور ان سے آج ہم پوچھتے ہیں کہ فلم جو ابھی اسٹارٹ ہوئی تو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت پسند آئی، دیکھیں ان شاء اللہ ایک کے بعد شوٹنگ اسٹارٹ ہوگی تین چار مہینے۔ میرا اچھا رول ہے، بہت اچھا رول ہے، لڑتا ہوں اسی طرح کا سینٹرل کیریکٹر، آبویسلی یہی کیا اچھا ہے۔ ہماری عوام ہے جو ہمیں پسند کرتے ہیں، سب سے بڑا ہمارا ایوارڈ وہی ہوتا ہے ہمارے پاس، تو میں ان کو یہی کہوں گی ہمیشہ کی طرح میرے لیے دعا کریں اور ہمیشہ ہی میرے سانگ پسند کرتے ہیں اور یہ بھی پسند کریں اور دعا کریں۔ بہت شکریہ۔ تیرے نال بہار پڑھتے ہیں نا، وہ دیکھو کہ کہتے ہیں پڑھ دے، چلو۔